नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश अडवाणी स्वास्तिक फार्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम महाराष्ट्र पुणे में और अभी हमारा ट्रेनिंग सेशन वाइंड अप हुआ है मार्च 2024 का। अभी हम आए हुए प्रतिभागियों का रिव्यू लेंगे, जानेंगे उनको आप यहां पर आकर कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार जी। नमस्ते। सबसे पहले आप अपना परिचय दें। मेरा नाम नीलेश तोमर है, मैं मनावर धार जिला MP से आया हूँ। नीलेश बाबू क्या काम करते हैं आपसे पहले? मैं स्टडी करता हूँ और पिग फार्मिंग भी? नहीं, पिग फार्मिंग नहीं करता हूँ, ये तो पुश्तैनी है। ठीक है, ठीक। हाँ अच्छा, आप पिग फार्मिंग के बारे में जरूर कुछ जानकारी तो रखते होंगे। इतनी जानकारी नहीं थी जो आपसे मुझे मालूम पड़ी है। क्या क्या कुछ आपको नया महसूस हुआ, नई जानकारियां क्या मिली जिससे आप जाकर अपना नया फार्म स्टार्ट करेंगे तो कुछ नया इम्प्रूवमेंट करेंगे? मुझे जानकारी ये मिली है कि मुझे बेसिक मालूम पड़ा है, बेसिक तक मालूम पड़ा है मुझे। सिर्फ मैंने क्या देखा था कि बस खाली टी हाउस बना हुआ रहता है और बस खाली उसमें माल छोड़ दो, बड़ा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, बेच दो उसको। तो इतना कुछ मुझे मालूम नहीं था जितना आपने मुझे बेसिक तक बताया है। शुक्रिया, शुक्रिया आपका। ओवरऑल यहाँ पर आना आपका सार्थक हुआ, हालांकि आप 3 दिन बड़े कीमती समय लेकर आए हैं। जी, तो सफल हुआ आपका आना? जी बहुत सफल हुआ है, मुझे बहुत कुछ आपसे सीखने को मिला है, आपने बताया है। जो नए लोग आना चाहते हैं या पिग फार्मिंग करना चाहते हैं उनके लिए ट्रेनिंग कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है उनके लिए ट्रेनिंग करना, क्योंकि जिस तरीके से आपने मुझे बताया है कि एक्चुअली फार्म हाउस के बेसिक क्या होता है, उसको करना कैसे है, उसको स्टार्टअप कैसे कर सकते हैं, ध्यान कैसे रखना है, बच्चे जब मतलब माता प्रेग्नेंट होती है तो उसको कैसे ट्रीट करना है, कैसे रखना है, फिर उसके बच्चे को कैसे ट्रीटमेंट देना है, कैसे रखना है, तो उससे बहुत सारी चीजें आपसे मुझे। शुभकामनाएं आपको। कितने पशुओं से करना चाहते हैं आप? मैं 20 पशुओं से चालू करूंगा। कब तक करना चाहेंगे आप? कुछ भी 5-6 महीने में। ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बधाई। नमस्कार जी। नमस्कार। सबसे पहले आप अपना एक खूबसूरत सा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम राजू विठल यादव है, मैं देवरा घाट का हूँ, बीड जिले में रहता हूँ। क्या काम करते हैं राजू बाबू? मैं कुली का काम करता हूँ। कुली हैं आप? हाँ। ये एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है, हालांकि जब हमारा पहला दिन ट्रेनिंग का था तो भी इन्होंने बताया और इन्होंने गर्व से बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि कुली का काम करने के बावजूद ये बड़ा काम करने का हौसला रखते हैं। तो आपको सबसे पहले इस चीज के लिए ढेर सारी बधाई। क्या समझ में आया आपको पिग फार्मिंग और क्यों करना चाहते हो? पहले पासून माझ्या डोक्यात आहे, दोन वर्षापासून माझ्या डोक्यात आहे का हा व्यवसाय मला करायचा आहे आणि याच्यामध्ये प्रॉफिट भी चांगला आहे आणि याच्यापासून उत्पन्न जे आहे ते खूप जास्त आहे आणि याच्यापासून आहे ना आपण कमी दिवसात चांगलं प्रॉफिट घेऊ शकतो आणि याच्यापासून आपली डेव्हलपमेंट चांगली होऊ शकते। क्या समझते हैं पिग फार्मिंग में आप अपना एक बड़ा भविष्य क्रिएट कर सकते हैं या नहीं? यस, मैं मुझे अभी लग रहा है मैं आपके पास सीखने के बाद मतलब आपको आपने जो मुझे सिखाया है उसके बाद मुझे ऐसा लगता है मैं 100% मैं आप मेरा बिजनेस आगे लेके जा सकता हूँ। क्या मानते हो आज जैसे कि हर चीज में बहुत बड़ा कंपटीशन है तो पिगरी में आपको क्या दिख रहा है आने वाले समय में? पिगरी में कोणता कॉम्पिटिशन नहीं है सध्याला, अजिबात नहीं है, याच्यामध्ये आपण खूप लांबपर्यंत जाऊ शकतो। कॉम्पिटिशन नसल्यामुळं हे स्पर्धक नाही आहे, कुणी आपल्याला आड येऊ शकत नाही किंवा आपल्याला कुणी 2 रुपयासाठी किंवा मागं पाय वाढण्यासाठी बी कुणी नाही आहे, त्यामुळे याच्यामध्ये आपण फुल ग्रो करू शकतो, लांब जाऊ शकतो। आपने यहाँ पर ब्रीड देखी हमारी, वो आपको ब्रीड कैसी लगी और हमारी ट्रेनिंग ओवरऑल आपको कैसी लगी? ब्रीड एक नंबर है, ब्रीड की जो शाइन है, चमक है, वो बहुत अच्छी लगी मेरे को, सबसे बढ़िया। ट्रेनिंग कैसा लगा आपको? ट्रेनिंग आपने जो हमने सिखाया वो सबसे बढ़िया है, आपने जो वैक्सीनेशन सिखाया, अपने प्रोसेसिंग का जो बताया, मेडिसिन, बहुत सारे चैप्टर थे उसमें, वो सब हमें समझ में आए, हमें क्या करना है हमारे दिमाग में आ गया है। नवे लोग जो आने वाले हैं पिग फार्मिंग में वो खाली YouTube देखकर पिग फार्मिंग करते हैं या करना चाह रहे हैं, उनको आपका क्या मैसेज है? मैं उनको बताना चाहूँगा वो YouTube भी देख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनको ट्रेनिंग जरूर लेनी चाहिए। कारण? क्योंकि YouTube में देखने का वो अलग जरिया है
और सामने देखने का वो अलग धैर्य। आप 10 में से क्या रेट करेंगे हमारी परफॉर्मेंस को, हमारी ट्रेनिंग को? आपने जो सिखाया, मेरे को लगता है आपने जो सिखाया ना, उसमें से आप 10 से 10 देने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सबसे पहले आप एक छोटा सा परिचय दे दीजिए। माझं नाव आकाश राजेंद्र आळकुटे, मी राहणार संगमनेर, जिल्हा अहमदनगर। क्या काम करते हैं आकाश बाबू? मी करतो शेती काम। अच्छा, कैसे आपका मन बना भी हमने पिग फार्मिंग करना है? आज आप इतने पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, समय बदल रहा है, पिग फार्मिंग में क्यों आना चाहते हैं? आता कसं झालं की आता जे शेती जे आहे ही जोडधंद्यानुसार, म्हणजे जे आपण शेतीत जे काम करतो, जे पिकवतो, याच्यात जे प्रॉफिट भेटत नाही, त्याशिवाय ते जोडधंद्याशिवाय ते शेतीचा उपयोग होणार नाही। तर आता जे आमचा जो बिझनेस आहे खानदानी, तर हे वराळ पालन यानुसार ओळखलं जातं। पण का आता काय जे आहे शेतीनुसार हे लोकलमध्ये जंगली डुकरं गावठी डुकरं पाळण्यात उपयोग नाही, पहिली गोष्ट। म्हणजे आता जे आहे ते प्रोफेशनल, जे शेडमध्ये आपण म्हणतो की चार भिंतीमध्ये व्हायला पाहिजे, हेच ते प्रोफेशनल इंग्लिश डुकरं म्हणून आपण ओळखलं जातं त्याच्यानुसार। साइंटिफिक मेथड और आपके ट्रेडिशनल मेथड में कितना आपने फर्क महसूस किया? भरपूर, म्हणजे लोकल आणि प्रोफेशनल मध्ये जवळजवळ भरपूर असा फरक आहे। थोडक्यात म्हणलं तर जमीन आसमानचा फरक आहे। क्या आप पिग फार्मिंग में ब्रीड सिलेक्शन का कितना महत्व मानते हैं कि ब्रीड सही हो तो आपको कितनी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो सकती है? जर का ब्रीड जे आपण जे पीक घेणार आहे हे जर प्रॉपर ओरिजिनल आपण घेतलं, सिलेक्ट केलं, तर त्याच्यापासून भरपूर असं ग्रोथ आहे। की आता तसं म्हणलं रक्कमनुसार जे लोकलमध्ये जे आपण पैसे कमावणार याच्यापेक्षा आपण 4 पटीने पैसे तयार करून घेऊ शकतो। ओव्हरऑल आपको आना संतुष्ट हुआ आपका, आप संतुष्ट है यहाँ पर आकर? भरपूर, जे आता आपण जे थोडक्यात जे मी फॉर्म फिरायचो सर, मी भरपूर असं नाही की एक फॉर्म मध्ये फिरलेलं आहे, असं जवळजवळ 15-20 फॉर्म फिरलेलं आहे। पण तिथं फक्त एकच होतं की शेड आहे, इथं कॅबिन आहे, इथं नर, इथं मादी आहे, की मोठे झाल्यानंतर इकडे सेल आउट करायचं, इथं मार्केट आहे, हे आहे, ते आहे, हे फक्त मी ऐकत होतो। तर इथं आल्यानंतर मला आता समजलं की नेमकी ते चालवायचं कसं, पिल्लांपासून कसं मोठे करायचं, त्याचा आई म्हणजे मादीपासून नर, नरपासून मादी, वॅक्सिनेशन औषध वगैरे हे कसं प्रॅक्टिकली करायचं हे मला आत्ता कळालं। पहिली गोष्ट म्हणजे हे फक्त मी ऐकत होतो, याच्यानंतर माझं जे फायदा होईल इथून पुढे होणार आहे। पहिली गोष्ट म्हणजे आप कितने पशुओं से करने वाले हैं, कब करने वाले हैं, एक मोटा मोटी आयडिया बताइए। हे जे आमचं जे म्हणजे थोडक्यात प्रोजेक्ट जो आहे सर, हे गव्हर्नमेंट NLM मध्ये नॅशनल लाईव्हस्टॉक, हां, तर हे आम्ही 50+5 तर याच्यानुसार आम्ही तयार करतोय। तर याच्यामुळे आम्हाला ट्रेनिंगची भरपूर गरज होती। 55 पशुओं का आपके पता है कि क्या कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, क्या उसका सर्वाइवल कॉस्ट, क्या पिग्स का कॉस्ट, सब कुछ हम निकाल के ही इसमें डेरिंग। अभी आपने जो है वो कमर संभाल ली है। हो, अब आप तैयार हैं 50 पशुओं से करने पूरा परफेक्ट। कब तक करना स्टार्ट, कंस्ट्रक्शन कब? अभी हमारा 1-1.5 महीने हमारा कंस्ट्रक्शन का काम चालू होने वाला है। ठीक है, ओवरऑल आप 2-3 महीने के अंदर अंदर वेटिंग स्टॉक ले आएंगे। ढेर सारी शुभकामनाएं। 10 में से क्या रेट करेंगे आप? पूरा तो पूरा सर, 10 में से 10। धन्यवाद, धन्यवाद। नमस्कार जी। नमस्कार। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। माझं नाव रवींद्र आळकुटे, मी संगमनेरहून आलोय, म्हणजे महाराष्ट्रातलाच आहे। क्या काम करते हैं? मी पहिले 12 वर्ष कंपनीत होतो, पण आता कंपनीतून काही प्रॉफिट भेटत ना आपल्याला, म्हणजे जे आपल्याला रोज कमवतो ते रोज खायला जाते। पण आता आपल्याला काहीतरी शेतीसाठी जोडधंदा, मी पीक फार्मिंग हा करायचा शोधला आहे। तर आम्ही वडरा समाजाचे असल्यामुळे आम्हाला या धंद्यामध्ये किती यश आहे, या आता तुम्ही तर कॅल्क्युलेशन सांगितलंय, तर तेच आपल्याला व्यवस्थित करायचं देतात आम्ही। अभी आपने YouTube से खूब सारी जानकारियां ली होंगी या फिर आपने बुक्स भी पढ़ी होंगी, किसी से फेस टू फेस मिले भी होंगे, आप किस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ये ट्रेनिंग आपके लिए कितनी जरूरी रही है? आता ये ट्रेनिंग मुझे का बरच महत्वाची आहे, कारण कोणत्यापण मी पण सगळ्यांना सांगतोय की आपण आता कोणत्यापण क्षेत्रात उतरायचं म्हणलं तरी, आता आपण शिक्षण घेतोय, डिग्री डिप्लोमा करतो, त्याच्या रिलेटेड क्षेत्र करतो, आपण काम करतो, मग तसंच हे आता पिगरीचं जे ट्रेनिंग घेतोय आपण, ते आता आपल्याला पूर्ण उतरायचं आहे त्याच्यात। आणि या येत्या 2-3 महिन्यात आम्ही पिगरीचा फार्म ओपन करणार आहे, त्यामुळं जो पिगरीचं ट्रेनिंग सरांनी दिलं आहे आम्हाला, ते एकदम म्हणजे आम्हाला कोणालाच सांगू शकत नाही, आणि भारतात मला वाटतं सरांसारखं ट्रेनिंग कुणीच देऊ शकत नाही मला।
ओवरऑल क्या ये जो ट्रेनिंग है इतनी लाभदायक है कि आप अपने जीवन में पिग फार्मिंग करके एक नया आप अपना करियर क्रिएट कर सकते हैं? बरोबर सर, ये का बर लाभदायक है, जे तुम्ही बिजनेस मॅनेजमेंटचं जे कॅल्क्युलेशन सांगितलं आम्हाला, जे म्हणजे एका मादीपासून आपल्याला किती उत्पन्न आहे, आणि आता आमचा फार्म हा 50 मादी आणि 5 नरांपासून होणार आहे, तर मग त्याच्यापासून जे तुम्ही 2 CRचं जे कॅल्क्युलेशन सांगितलंय, तर त्याच्यापासून प्रॉफिट जर आपल्याला 1 CR होतंय, तर मग हा बिझनेस करण्यासाठीच आम्ही मैदानात खास त्या जोमानेच उतरणार आहे म्हणून। ओवरऑल आप इस ट्रेनिंग को क्या रेट करेंगे अगर आपको 10 में से रेट करने को मौका मिले? 10 में से मैं तो बोलता हूँ 10 प्लस देना चाहता हूँ सर। शुक्रिया। नमस्कार जी। नमस्कार। सबसे पहले आप अपना परिचय दें। माय नेम इज दिवेश राजसंकत फ्रॉम अमरावती महाराष्ट्र। क्या काम करते हैं दिवेश बाबू? मैं तो फिलहाल अभी स्टडी कर रहा हूँ, और मेरा मन था कि मैं सुअर पालन में इंटरेस्टेड लूँ। आप ये बताएं कि सुअर पालन आपका पुश्तैनी काम है या फिर आप शुरू कर रहे हैं? ये हमारे दादा परदादा लोग करते थे। ठीक है, ठीक है। उसके बाद में घर के अंदर बोला गया था कि थोड़ा फार्मिंग की तरफ ध्यान दीजिए। ठीक है। अभी आप यहाँ पर आपने ट्रेनिंग ली है आपसे पहले, हालांकि आप सुअर पालते भी हैं, तो आपको यहाँ पर क्या अंतर क्या मिला, क्या फर्क है, क्या अपडेट है आप में, आप अपने विचारों में बताइए। देखो, फार्मिंग से पहले सबसे पहले तो कुछ ऐसा नहीं लग रहा था कि फार्मिंग में कुछ इतनी इतने अंदर घुसना पड़ेगा फार्मिंग के लिए, और मेडिकल वगैरह और बायो सिक्योरिटी और उसके बाद साफ सफाई, मेडिसिन और बहुत सी ऐसी चीजें जो मेरे को नहीं पता था, वो मेरे को अब पता चला है। ठीक है, ठीक है। दूसरी बात, आप क्या समझते हैं कि ये ट्रेनिंग लेने के बाद में आपके जीवन में क्या बदलाव आने वाले हैं, और आप नया जो फार्म करने वाले वो कितने पशुओं से करेंगे, किस लेवल पर करेंगे, वो आप चाहें तो बता सकते हैं। मैंने तो यहाँ तक सोचा है अभी कि मैं घर जाऊंगा, सबसे पहले हर फार्मर्स पे जाके मैं सबसे पहले फॉर्म चेक करूंगा किसी के, कि किसके क्या फार्म है, और किस कौन सी बीमारी है, कौन से फार्म में कौन से जानवर होगी, उस समझूंगा उस बात को। आप कितने पशुओं से स्टार्ट करने वाले हैं अपना फार्म? मैं 30 पशुओं से चालू करूंगा। कब तक करना चाहते हैं? अभी आफ्टर डेट में 6 महीने तक। 6 महीने आप इंतजार करेंगे। आपको यहाँ पर आकर अच्छा लगा? बहुत बढ़िया लगा है मेरे को, और सर की मेन बात तो मेरे को सर की एक बात कि ये बहुत अंदर तक डिटेल तक बताते हैं, बाकी कोई फार्मर तक तो मैंने अभी तक देखा नहीं है, यूट्यूब भी देखा था, सब कुछ देखा था, पर आपसे मिलकर मेरे को ऐसा लगा कि बहुत अंदर डीप तक बताया है आपने फार्मिंग के बारे में। ओवरऑल आप 10 में से क्या रेटिंग देना चाहेंगे? मैं 10 of 10। नमस्कार जी। नमस्कार। सबसे पहले आप अपना परिचय बताइए, आप कौन है, आप कहाँ से आए हैं और क्या करते हैं? मेरा परिचय, मेरा नाम अमोल संजय यादव, मैं छत्रपति संभाजीनगर से आया हूँ। मेरा फार्म का नाम मातोश्री पिग फार्म है। अच्छा, आप ऑलरेडी एक पिग फार्मर है। हाँ। कितने पशु हैं आपके पास? मेरे पास लगभग 100 से 150 मादी है और फैटनर है 200 है। आपको पिग फार्मिंग में कितना समय हो चुका है? मुझे 2 से 3 साल अब तक हो चुके हैं। ठीक है, ये आपका पुश्तैनी काम है, आपने ही स्टार्ट किया है? नहीं, मेरा पुश्तैनी बोल तो मेरा खन सबसे पहले। हाँ। ठीक है, अब आप पिग फार्मिंग की ट्रेनिंग का आपको क्या ऐसा जो है वो ट्रेनिंग का आपको क्या कारण लगा कि मुझे ट्रेनिंग ले लेना चाहिए? सबसे पहले तो इसमें ट्रेनिंग का बहुत बड़ा हिस्सा है, इसमें तो कुछ मालूमात मिलती है इसमें से सब कुछ। आपको क्या मिला? देखो, आप ऑलरेडी 2-3 सालों से। हाँ। कर रहे हो, हालांकि आपका पुश्तैनी काम है, आप 150-200 सालों से शायद कर रहे होंगे, आपके बाप दादा परदादा सकर दादा। आपको यहाँ पर आकर क्या सीखने को मिला और उसको आप अपने पिग फार्मिंग में उतार कर कैसे ज्यादा फायदा कमाएंगे? सबसे पहले तो इसमें ट्रेनिंग में तो जब से मादी है, जब जैसे प्रेग्नेंट होती है उसका जब बच्चा होता है तब तक मालूमात होता है, मरने नहीं देना मांगता है। आप अपनी मराठी भाषा में बोलिए, यहाँ पर आपको आकर क्या फायदा मिला? सगळ्यात अगोदर तर इथे आल्यानंतर आपलं ट्रेनिंग भेटली, ट्रेनिंग नंतर बाय सिक्युरिटी, बाय सिक्युरिटी म्हणजे जे काही बाहेरचा माणूस मध्ये यायला नाही पाहिजे, त्यामुळे आपले जे काही बाय हे असतात तर ते किटाणू वगैरे नाही का पोहोचू नाही, त्यामुळे नाही का ते बाहेरचं काहीतरी होईल आणि रोगराई पसरते, त्यामुळे ती बाय सिक्युरिटी ही खूप महत्वाची असते। आपको यहाँ पर आकर अच्छा लगा? हाँ, अच्छा, बिल्कुल अच्छा लगा सब। ये जो 3 दिन आपने स्पेंड किए, इससे आपको कुछ सीखने को मिला? हाँ, 3 दिन 3 दिवस तो मी माहिती भेटली, मला भरपूर माहिती भेटली, त्यामध्ये सगळं काही शिकलो मी।
क्या ये ट्रेनिंग आपके व्यावहारिक जीवन में जो आप पिग फार्मिंग कर रहे हैं उसमें काम आएगी? जरूर काम आएगी, त्याच्यामध्ये भरपूर फायदा करेल मी इथून पुढे भी भरपूर येईल. ओव्हरऑल आप 10 में से क्या रेटिंग देना चाहेंगे हमारी ट्रेनिंग? यामध्ये 10 रेटिंग में 10 मार्क दे दीजिए. थैंक यू. सो आपने देखा कि यहाँ पर आए हुए लोगों को कैसा महसूस हुआ, उन्होंने यहाँ पर आकर क्या सीखा, क्या समझा. अगर आप भी पिग फार्मिंग की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप हमारे संस्थान पर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही प्रकार से ट्रेनिंग ले सकते हैं और पिग फार्मिंग को साइंटिफिक मेथड से कर सकते हैं. अभी आता आपलं मार्च ट्रेनिंग सेशन संपलेलं आहे इथं आणि आपलं नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन 1-2-3 मे मध्ये होणार आहे. आणि ज्यांना हे ट्रेनिंग अटेंड करायचं आहे आणि वैज्ञानिक पद्धतीने ज्यांना पीक फार्मिंग करायचं आहे, ट्रॅडिशनल पद्धतीने नाही वैज्ञानिक पद्धतीने प्रोडक्शन घ्यायचं, त्यांनी नक्कीच हे ट्रेनिंग अटेंड करावं. अगर आप भी सुअर पालन करना चाहते हैं तो भारत का पहला पिग फार्मिंग ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स हमने लॉन्च कर दिया है. आप चाहें तो प्ले स्टोर पर जाकर स्वास्तिक पिग फार्म नाम का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं. इस कोर्स में आपको हर चैप्टर के अलग अलग लेक्चर मिलेंगे और इस कोर्स का एक्सेस आपको लाइफ टाइम रहेगा. आप कहीं पर भी कभी भी पूरी ज़िंदगी इस कोर्स के लिए आप हमेशा एलिजिबल रहेंगे. इस कोर्स में आपको हमेशा अपडेट्स मिलते रहेंगे. इस कोर्स में आपको लाइब्रेरी मिलेगी, उस लाइब्रेरी में PDF, जर्नल्स, मैगजीन, बुक्स, खूब सारी आपको जानकारियाँ मिलेंगी और आपको यहाँ पर हर जो भी कोई नई चीज़ आ रही है तो यहाँ पर वो अपडेट हो जाएगी. चलिए जी, अगर आप पिगरी में जो है वो अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, अपने भविष्य को सिक्योर करना चाहते हैं तो आप हमारा ये कोर्स खरीद सकते हैं. जय हिंद, जय भारत.